हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर आरआरबी एग्जामिनेशंस, दैट इज आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क। तो आरआरबी पीओ में हम 65+ स्कोर करने की कोशिश करेंगे एंड आरआरबी क्लरिकल में हम 75-80 के बीच में हमें मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। तो उस चीज को हम लोग किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, तो कुछ छोटे छोटे से एलिमेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अभी भी और जिस दिन आपका एग्जामिनेशन डे है तब भी। तो पहला एलिमेंट ये है कि जिन्होंने अभी तक PYQs नहीं लगाए हैं, आई होप आप सभी बच्चों ने PYQs, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाए हैं प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि आरआरबी का लेवल किस तरीके से रहता है। और अगर उसमें आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो दैट मीन्स आप पेपर में भी हो सकता है कि बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है, क्योंकि पैटर्न हमारा वही रहता है, कुछ इधर उधर चेंजेस होते हैं। सेकेंड चीज मैं जो हमेशा कहती हूँ, विच इज माई फेवरेट थिंग, दैट इज मॉक टेस्ट। आपको खूब सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं बिकॉज 7th को आपका एग्जामिनेशन है एंड बहुत कम टाइम बचा है इस एग्जामिनेशन में और हमारा प्रिपरेशन टाइम जो चल रहा है उसमें। तो बेसिकली अभी इस एग्जामिनेशन डे तक, क्योंकि बहुत कम टाइम है इसलिए हमें बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं जिससे हमारी स्पीड इंक्रीज हो, और अगर हमारी स्पीड इंक्रीज होगी तभी हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और एक्यूरेसी हमें बना के रखनी है। एक्यूरेसी हम कैसे बनाएंगे, हमें गेस वर्क नहीं करना, ठीक है, हमें किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देना। बेसिकली क्या होता है, अगर हम किसी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं ना, तो वो क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी तो रहती है लेकिन गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी हाई रहती है, क्योंकि हमारा माइंड इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है ना उस क्वेश्चन में कि सही होता हुआ क्वेश्चन भी हम लोग गलत कर देते हैं। तो ज्यादा टाइम किसी क्वेश्चन पे स्पेंड नहीं करना, गेस्टवर्क बिल्कुल भी नहीं करना, नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान में रखना है एंड आपको हायरार्की सही चूज करनी है क्वेश्चंस की। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, सबसे पहले आपको सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं, देन आपको आरसी करनी है, देन आपको पैराजम्बल यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है। क्वांट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको स्पीड बूस्टर यानी आपको सिंप्लीफिकेशंस, नंबर सीरीज और ये सब चीजें करनी है, क्वाड्रेटिक्स, देन यू विल बी स्विचिंग ऑन टू डेटा इंटरप्रिटेशंस और केसलेट्स एंड देन यू विल बी डूइंग अर्थमेटिक सम्स, ठीक है। एंड अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, सबसे पहले आपको मिसलेनियस कर लेने हैं। मिसलेनियस करने के बाद आपको क्या करना है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट करनी है और कोडिंग डिकोडिंग आपको बिल्कुल लास्ट में करनी है क्योंकि वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हायरार्की रखोगे क्वेश्चंस की एंड आई होप ये चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी एग्जामिनेशन डे पर, और इस तरीके से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मॉक टेस्ट देना मत भूलना क्योंकि उसी से स्पीड हमारी बढ़ेगी एंड उसी से एक्यूरेसी आएगी। एंड आई होप लास्ट चीज, आप लोग सारे स्पीड बूस्टर जो चीजें होती है, सिंप्लीफिकेशंस, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये डेली बेसिस पे कर रहे हो क्योंकि इसी से कैलकुलेशन इंप्रूव होगी और इसी से ही स्पीड आएगी, ठीक है। गुड लक फॉर एग्जामिनेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।